यातायात के कुछ तय नियम कानून हैं, जिनका पालन सड़क सुरक्षा नियम के तहत आता है और जिनका पालन करना सड़क पर चल रहे हर नागरिक का फर्ज है। जैसे कि ओवरटेक नहीं करना, गाड़ी सीमित गति में और लेन में चलाना, चार पहिया में सीट बेल्ट लगाना और यदि दुपहिया से चल रहे हैं तो हेलमेट लगाकर चलना, वरना चालान कट सकता है। एक डेटा के मुताबिक ट्रैफिक लाइट का पालन न करना और हेलमेट न लगाना सबसे आम गलती है, जिसके कारण चालकों का चालान कटता है। मगर क्या आप यकीन करेंगे जब आपको ये पता चले कि किसी व्यक्ति का चालान महज इसलिए कट गया हो क्योंकि उसने कार में हेलमेट नहीं लगाया था। अजब यूपी की ये गजब कहानी है, सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन 100% सच है। झांसी में यातायात विभाग के कारनामे से एक चारपहिया वाहन स्वामी थर्रा गया। नगर निगम में स्थित यातायात के ITNS विभाग ने हेलमेट न लगाने पर कार का चालान कर दिया। इससे आहत होकर वाहन स्वामी अब हेलमेट लगाकर कार चला रहे हैं। कुछ दिन पहले, मेरा नाम राहुल मिश्रा है, मेरी गाड़ी है ये UP 93 PL 3132। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक चालान प्राप्त हुआ जिसमें मैं कार को बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहा था, ऐसा अपराध मेरा बताया गया उस चालान के माध्यम। इस प्रकार से हजारों चालान लोगों को प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद और फर्जी चालान। इससे त्रस्त होकर कि आगे से ऐसे मुझे चालान ना हो, मैं हेलमेट लगाकर अब कार को ड्राइव करता हूँ। झांसी के आवास विकास में रहने वाले ये हैं राहुल मिश्रा। कार को हेलमेट लगाकर चलाते हुए देखकर आप हैरान हो रहे होंगे। नगर निगम और यातायात विभाग ने हेलमेट न लगाने की वजह से इनकी कार UP 93 BL 3132 का चालान कर दिया, जिससे नाराज होकर शांति से विरोध करने के तौर पर कार मालिक राहुल हेलमेट लगाकर कार चलाते हुए दिखे। जानकारी लेने से पता चला कि चालक के साथ ज्यादती हुई है। पुलिस ने जाने क्या सोचकर चालान इसलिए काट दिया क्योंकि चालक ने कार में हेलमेट नहीं लगाया था। अब शिकायत मिलने के बाद इस मामले में नगर आयुक्त पुलकित गर्ग कह रहे हैं कि समुचित कार्रवाई करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।